हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पुन्नम गुडीज। तो फ्रेंड्स, आप सब देख पा रहे होंगे हमारे ये जो पपीज़ हैं ये लोग थोड़े बड़े हो गए हैं और इन लोग का भी आँख खुल चुका है और ये लोग अभी प्रॉपरली चल पा रहे हैं। तो देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं ये लोग, काफ़ी क्यूट हैं ये। तो आज का वीडियो मैं इसलिए बनाई हूँ, जो लोग पपीज़ घर में ले रहे हैं तो वो लोग पपीज़ लोग का कैसे वो प्रॉपरली केयर ले, उसके लिए मैं आज ये वीडियो बनाई हूँ। तो आप ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिए, आई होप आप सबके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो पहला बात तो ये है, अगर आप पपीज़ ले रहे हैं वो पपीज़ एटलीस्ट वो 50 डेज एवव होना चाहिए, क्योंकि 50 डेज या 2 मंथ तक अगर पपीज़ मदर डॉग से मिल फीड करता है तो वो पपीज़ बहुत ही हेल्दी रहते हैं। इसीलिए अबाउट 50 डेज आप पपीज़ लीजिए और घर में पपीज़ लेने के बाद आप उसको ऐसे मिल्क पिला सकते हैं और जैसे पपीज़ लोग का आता है सेरालग वो आप खिला सकते हैं। ट्राई कीजिए एटलीस्ट आप दिन में 4 बार उनको खिला सकें, जैसे कि सुबह, दोपहर, शाम और रात को 4 बार एटलीस्ट आप खिलाइएगा। और स्टार्टिंग में पपीज़ लोग सुसु पोटी बहुत बार करेंगे, उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ये नॉर्मल है। सुसु तो बहुत बार करेंगे, पोटी ऐसे 4 to 5 times वो लोग करेंगे। जैसे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे इन लोगों का ये कम होता जाएगा और उसी बीच में आप इन लोगों को प्रॉपरली ट्रेनिंग देंगे तो उन लोगों का सुसु पॉटी का ऐसे एक टाइमिंग भी बन जाएगा, जैसे कि उसी टाइम में आप वो लोग पॉटी, सुसु ये सब करेंगे। और पपीज लोग को एटलीस्ट 3 महीने तक बाहर मत लेके जाइएगा, उनको घर में ही रखिएगा, क्योंकि इन्फेक्शन होने का चांसेस उस टाइम में बहुत रहता है। और हाँ, पपीज़ लोग को जैसे कि 2 weeks होने के बाद इन लोगों को डीवर्मिंग शुरू कर दीजिएगा, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और टाइम टू टाइम प्रॉपरली जब इन लोगों का वैक्सीन होगा टाइम पे ही वैक्सीन दे दीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल डिले मत कीजिएगा, क्योंकि इन लोगों को अगर ठीक टाइम में वैक्सीन डीवॉर्म कर लेंगे आप तो अच्छा है। इन लोगों का जो कि पेट में कोई भी इन्फेक्शन या कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो आगे नहीं होगा और ग्रोथ भी इन लोगों का बहुत ही अच्छे से होगा। तो अगर आप प्रॉपरली केयर ले सकते हैं पपीज़ लोग का तो तब भी आप घर में पपीज़ लाइए, अदरवाइज ना ले, क्योंकि इन लोग को केयर की बहुत ज़रूरत पड़ता है। ये लोग बहुत मासूम, बहुत प्यारे होते हैं। वो हिंदी में कहावत है ना कि कुत्ते वफ़ादार होते हैं, एक्चुअली में वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत वफ़ादार होते हैं। आप थोड़ा सा प्यार देंगे बदले में वो लोग बहुत आपको प्यार देंगे। और आजकल ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं पे जाना हो आपको तो डॉग को आप ऐसे बाहर छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि अभी आसपास में हर जगह पे डॉग डे केयर भी निकल चुका है, आप चाहें तो वहाँ पे उन लोगों को छोड़ के कुछ दिन के लिए बाहर जा सकते हैं। तो डॉग अगर रखते हैं, पपीज़ लाते हैं तो उन लोगों का केयर बहुत ज़रूरी होता है। हम तो घर में हमारे डॉगीज लोग को कुत्ता भी बोलना हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, हम लोग उन लोग को हमारे बच्चे ही बोलते हैं और हाँ ये लोग हमारे बच्चे ही हैं। तो अगर अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो तो आप एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन लोगों को बताना चाहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे अगर कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।